मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, दिल्ली दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा आज सीडब्ल्यूसी की बैठक थी। सीडब्ल्यूसी के मेंबर के सभी सदस्य उपस्थित थे। सोनिया जी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। एमपी के उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम तय किया गया है। साथ ही पांच राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों बाद, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। किसानों के मुद्दे पर और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी सब लोगों ने स्वर से सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। बहुत ही सकारात्मक चर्चा उस बैठक में संपन्न हुई। कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को भी इस घटना में मुआवजा देने की बात को लेकर सीएम ने कहा, गाड़ी एमपी की है, गांजा तस्कर भी मध्य प्रदेश का है। गाड़ी ओडिशा से आ रही थी और मध्य प्रदेश जा रही थी। यह अक्सर देखा गया है कि चाहे महासमुंद हो या बस्तर हो, सभी क्षेत्रों में लगातार ओडिशा से गांजा आता है। ओडिशा सरकार को इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के गांजा तस्कर हैं क्या, इस प्रकार के और भी वहाँ लोग हैं जो इस रैकेट में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। पथलगांव की घटना पर बीजेपी के आंदोलन पर सीएम ने कहा, उनको धरना मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ करनी चाहिए क्योंकि उस पूरे मसले का भंडाफोड़ हो, उसकी मांग उन्हें करनी चाहिए। जहां तक छत्तीसगढ़ सरकार की बात है, घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है। करना चाहिए उसे मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, क्योंकि गांजा तस्कर तो वहां के हैं। उसे रैकेट का भंडाफोड़ हो, ये मांग उनको करना चाहिए। और जहां तक छत्तीसगढ़ सरकार की बात है, घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है। जिसके जितने भी निंदा की जाए वो कम है। मृतक परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति हमारी है और सरकार की ओर से जो किए जाने वाली कार्रवाई है वो तत्काल किया गया, जिसमें आरोपी है वो पकड़े गए हैं। दूसरी बात है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, टीआई को वहाँ हटा दिया गया है, एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। जाँच जारी है और तथ्य सामने आएंगे तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सरकार के ओर से जो किए जाने वाली कार्रवाई है वो कर लिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर और क्या चाहती है जो आंदोलन कर रहे हैं। आरोपी पकड़े गए, मुआवजा की घोषणा कर दी गई है, उसके बाद आंदोलन किस बात पर।